असामाजिक तत्वों ने तोड़ा हनुमान की मूर्ति, आदिवासी समुदाय के लोगों में आक्रोश। बता दे कवर्धा जिला तहसील पंडरिया अंतर्गत ग्राम कामठी स्थित अति प्राचीन 16वीं सदी लगभग 800 वर्ष पहले का हनुमान जी की मूर्ति को किसी अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित करने का मामला सामने आया है। दिन मंगलवार पुलिस को सूचना मिलने पर पूरी टीम घटनास्थल पहुंची। खंडित मूर्ति का मामले पर कुकदूर पुलिस ने शिकायत दर्ज की। खबर की गंभीरता को देखते हुए कवर्धा एसपी डॉक्टर पल्लव घटनास्थल पर पहुंचे, जहां जांच अवलोकन कर कुकदूर पुलिस को असामाजिक तत्वों का शिनाख्त कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मीडिया पड़ताल से कुछ अहम जानकारी सामने आई। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कामठी के मंदिर परिसर स्वामित्व को लेकर जैसे सतरंगी झंडा विवाद जैसे मामले दर्ज है। विषय में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दो दिन पूर्व जो है हनुमान जी की जो मूर्ति है उसकी खंडित होने की बात सामने आई है। मंदिर के परिसर जो है चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है और केवल एक छोटा सा गेट है। निश्चित रूप से किसी भी असामाजिक व्यक्ति ने आके इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि काफ़ी मजबूत पत्थर है, उसका टूटना, मजबूत मूर्ति है उसको टूटना अपने आप में बहुत ही गलत बात है। पुलिस जो है इसको पूरे सारे बिंदुओं पे जांच कर रही है। जो खंडित जो मूर्ति का पीस है उसको केमिकल फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा जा रहा है कि क्या वो चिपकाया गया था पहले से, पहले विखंडित हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये किसी असामाजिक तत्व द्वारा विखंडित किया गया पाया जा रहा है। ऐसे पुलिस के द्वारा किसी के ऊपर ऐसे संदेह की इस जांच में पाया गया है? हर एंगल पे पुलिस काम कर रही है, क्या इसको धर्म विरोधियों ने इसको कुछ करने के लिए गलत मैसेज देने के लिए किया गया था, या फिर असामाजिक तत्व जो होते हैं शराब पीने वाले नशा करने वाले उन्होंने आके इसकी तोड़फोड़ की, या फिर किसी ने सामाजिक धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए ऐसा किया गया। ज़्यादा चांस है कि आसपास के किसी लोगों ने किया होगा, लेकिन हर एंगल पे पुलिस काम करे, जिसने भी ये तोड़ा होगा उसको जल्दी पकड़ा जाएगा, पूरी टेक्निकल और साइंटिफिक जांच की जाएगी, और जिन्होंने भी तोड़ा होगा उसके जो है कानून की तरफ से सबसे जो मजबूत सजा हो सकती है वो इनको दिलाई जाएगी, और पुलिस हर तरह से सर देख। बता दे कवर्धा जिले में इस तरह के धार्मिक उन्माद सांप्रदायिक दंगों को लेकर कवर्धा जिले का अपनी एक पहचान के रूप में जाना जाता है। मंदिर संरक्षक गोंडवाना समिति अध्यक्ष अमर राज सिंह ने बताया कि मंगलवार की सुबह की घटना है। सुबह प्रभात फेरी कुछ लोग मंदिर दर्शन करने गए थे, उन लोगों ने देखा कि मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। इसके बाद गांव के अन्य लोगों को इसकी सूचना दी गई। वहीं मंदिर परिसर के पुजारी ने बताया वो घटना के दिन नहीं थे, कौन कब आकर मूर्ति खंडित किया उनको पता नहीं। वहीं आदिवासी नेता डॉक्टर जे लिंगो ने बताया कि आदिवासियों के अति प्राचीन धरोहर का संरक्षण का दायित्व गोंडवाना समिति की है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के धार्मिक धरोहर को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह की घृणित प्रयास करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा आदिवासियों के धार्मिक आस्था पर कुठाराघात करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, मूर्ति खंडित करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा अगर आरोपी पकड़ा नहीं गया तो आचार संहिता समाप्त होने के बाद सर्व आदिवासी गोंडवाना समाज आंदोलन करने का आगाह व्यक्त किया। ये घटना कब के कैसे हुई इसको जानकारी है? तोला यहाँ के तो जानकारी मुला नहीं है, बाकी अपन सर टीआई सर के माध्यम से पता चले कि आपके मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति टूट गई। कहाँ गए जिन्होंने घटना घटी? ये घटना घटी सो दिन में अपन ससुराल में रहा हूँ मैं। हाँ आज की डेट में आज मंगलवार है, आज के दिन एक सप्ताह पिछले मैं अपन ससुराल चले गए अपन साला की शादी में, और जैसे मतलब कल सोमवार को मैं शाम को पहुँचे हूँ, उसके बाद रात में पहुँचे और रात में घर में रुके। सुबह टाइम मैं मुनमुना गांव गया हूँ वहाँ मशीन के लिए, तो मोला सर हमारे जो कुकदूर थाना के टीआई सर है वो फोन लगाया, बोलिए कि राम सिंह आपके मंदिर में बजरंग बली मंदिर है बोला तो खंडित कर दें करके, तो मैं तुरंत वहाँ मंदिर के गेट खोले के समय और बंद करे समय बताओ। मंदिर के गेट खोले के समय बंद करे के समय, अब खोले के समय 6 बजे है और बंद करे के समय लगभग 8 बजे 8 से 9 बजे। तो ऐसे कहा लगते कि बाहरी आदमी ने तोड़े ही कि कोई पूजा करने वाले आके खंडित करे? अब देखो सर यहाँ तो
अनेक प्रकार के व्यक्ति आते, ककरों पर रोक प्रत्यय लगाना उचित नहीं है। अब शासन अपन काम लगा रहे थे, शासन प्रशासन, अब हमें पता चली कि वास्तविक में क्या चीज़ है। संरक्षक भी हैं आदिवासी समाज के, बहुत ही प्राचीन मूर्ति का है खंडन हुआ है, तो कुछ कहना चाहेंगे, किसके ऊपर संदेह है आपको? फर्स्ट बात तो ये बहुत दुखद घटना हुआ है, इतना प्राचीन। पहले अपना परिचय बताएंगे मुझे। मैं पंडरिया राजा साहब, स्वर्गीय राजा साहब श्री कृष्ण राज सिंह जी का मंझला लड़का हूँ। हाल ही में इस मंदिर के संरक्षण, तो संरक्षण आपकी है ना ये? हाँ। तो ये कब का मामला है, कैसे हुआ, कुछ बताएंगे आप? हम अपने महल में थे, अचानक मेरे पास फोन आया हमारे पुजारी का कि मंदिर को कोई खंडित करके तोड़ दिया गया है। आने पे पता चला कि आगे से हमारे गांव के जो प्रभात फेरी में आते हैं ये लोग रिपोर्ट किए थे, तो उससे पता चला कि मंदिर में तोड़ फूल हुआ है, टूटा है। बाकी समाचार बहुत दुखद है, निंदनीय है, और सर आए थे और वो एक्शन लेंगे और हमको पूरा भरोसा है इसमें सर। ऐसे ये कब से, कितनी प्राचीन है, आपको जानकारी होगी कुछ, ये मंदिर जो खंडित हुआ? हमारे पिताजी के मुताबिक खंडित हुआ है कि नहीं हुआ हमको नहीं पता, लेकिन ये मंदिर वो तो दिख रहा है ना, खंडित है, 700 साल से टूट गया है ना, खंडित हो गया, प्राचीन मंदिर है, बहुत 700 साल पुराना मंदिर। कवर्धा से पीडी मणिपुरी की रिपोर्ट, बस देखते रहिए सीजीविजन टीवी।